नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, एरिया ऑफ कर्व वो हमारा एनसीईआरटी का हो गया था, लेकिन मिसलेनियस का बाकी था। तो अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन का भी मिसलेनियस, एरिया ऑफ कर्व का मिसलेनियस, और सबका एक साथ मिसलेनियस का वीडियो अपलोड किया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रहे हैं। इसके साथ में अब चूंकि जेई मेन का मौसम है, तो हमने तो काफ़ी लेट से अपना चैनल शुरू किया है, तो इस बार कोशिश करेंगे कुछ कुछ वीडियो हम जेई मेन के लिए भी डालें, तो हो सकता है इसी वीक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखेंगे जेई मेन का लिए पहले हम ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए रहेगा पहले। फिलहाल क्वेश्चन का देखिएगा लेवल, और देखने मज़ा जरूर आएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे। कौन सा क्वेश्चन किस बेस पर बनेगा, हम लोगों ने 11th में कौन से क्वेश्चन को पढ़ा था, जिस पर यहाँ पर वो कौन सा क्वेश्चन रिलेटेड है, उसको देखेंगे। बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। मेन के लिए अलग से प्लेलिस्ट में ही कॉलम रहेगा, तो प्लेलिस्ट को ध्यान देखेंगे, उसमें टाइम टू टाइम कुछ अच्छे अच्छे चीज़ डालते रहेंगे। तब तक अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि अभी कहा था हमने कि अभी हम 12 बोर्ड को फोकस कर रहे हैं, तो उसमें अभी सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पलर का भी अलग से प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद मेन लेवल का भी अलग से तैयार करेंगे। फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। इंटीग्रेशन से हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो जैसे ये कोई हमारा इक्वेशन है, जहां इक्वल टू बीच में हो जाता है वह एक इक्वेशन कहलाता है। इसमें हम इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये कहलाता है डेरिवेटिव्स, डीवाई डी एक्स। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर वाई बराबर एफ एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश यानी एफ डैश एक्स, ये कहलाता है डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर। फिर हम लोग पढ़े हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी वाई डबल डैश यानी एफ डबल डैश एक्स। फिर हम लोग जानते हैं ऐसा ये होता है वाई ट्रिपल डैश, या इसे हम लोग ऐसा भी कहते हैं। तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हुआ सेकेंड ऑर्डर का सिंबल, ये भी हुआ सेकेंड ऑर्डर। इससे हम लोग डिफरेंशिएशन के जब पढ़े थे हाईएस्ट ऑर्डर वाला, उसमें सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो डी वाई डी एक्स हो या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री वाई बाई डी एक्स, ये सब कहलाते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशियंट। तो यह एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तीन ऑर्डर, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद हो वो कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव्स जानते कि डीवाई डी एक्स, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिंपल लैंग्वेज, बाकी किताबी लैंग्वेज तो जो रहता है सो रहता है, सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद हो वह कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल लैंग्वेज।
फिलहाल ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। जरूरी नहीं, कभी कभी यह ऐसा भी होता है, एस टी स्क्वायर प्लस तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो डी एस बाई डी टी बराबर टू टी प्लस टू, तो ये हमारा कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर वाला डिपेंडेंट, नीचे वाला इंडिपेंडेंट, ऊपर वाला डिपेंडेंट, नीचे वाला इंडिपेंडेंट, हमेशा डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में होता है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यह चीज डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई भी हो सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं है, हम देख रहे हैं कि यहां भी वाई कहीं ना कहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से एक बार, जैसे हम लोग यह देख रहे हैं कि हमारे पास हो सकता है कि यहां पर तुमको x भी छुपा, ये देखो ये ठीक है, इसे हम ऐसा लिखें dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई डैश को यह लिख दिया। तो जैसा कि अभी हमने कहा y हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dy by dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी बात को चीज यहां लिखा हुआ है। एन इक्वेशन यानी ए कंप्लीट कंटेनिंग एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी यह ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही बात हुई। जरूरी नहीं कि हर इक्वेशन में y मौजूद ही हो, x मौजूद, लेकिन dy dx को रहना कंपलसरी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ ये हम लोग समझ गए। तो ये सारे हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। एक डिफरेंशियल इक्वेशन में dy dx या जो भी है dy dx की जगह ds by dt, यानी एक डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट हो, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आता है, जैसे कि हमने कहा कि dy dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y by dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d3y by dx क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये किताब की भाषा है, उसको पढ़ें समझें अलग मैटर है, कुछ मेरी बात भी सुन लें कि यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा ऑर्डर वाले डेरिवेटिव्स मौजूद हों, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा ऑर्डर वाले डेरिवेटिव्स मौजूद हों, तो उसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव होगा वह कहलाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से एक बार, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा ऑर्डर वाले डेरिवेटिव्स हों, तो सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। वंस अगेन, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में
एक से ज्यादा ऑर्डर वाले या एक ही हो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव्स रहें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर जिस डेरिवेटिव का रहेगा उसका ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, हम यह देख रहे हैं कि इसमें एक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव भी है और दो ऑर्डर वाला भी है। यहां देखिए, एक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, दो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, तीन ऑर्डर वाला डेरिवेटिव। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर तीन ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा तीन। सबसे ज्यादा ऑर्डर तीन वाला है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा थ्री। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर फोर, इसका ऑर्डर वन, इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर थ्री, यहाँ ऑर्डर थ्री, यहाँ ऑर्डर वन, यहाँ ऑर्डर टू, यहाँ ऑर्डर टू, यहाँ ऑर्डर टू। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा ऑर्डर वाले डेरिवेटिव हो या एक ही हो तो जो भी उसका ऑर्डर एक रहेगा तो जो ऑर्डर रहेगा वही हमको हो जाना है, और एक से ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऑर्डर वाला जो होगा वो हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ एक ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, दो ऑर्डर वाला है, तीन ऑर्डर वाला है, सबसे ज्यादा ऑर्डर तीन वाला है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा थ्री। अब आगे की बात, तो हम लोगों ने देख लिया पहला क्वेश्चन का हमारा ऑर्डर है फोर, दूसरे का ऑर्डर वन, तीसरे में एक ऑर्डर दो ऑर्डर ज्यादा यह है तो ऑर्डर हो गया टू, चौथे में दो ऑर्डर एक ऑर्डर दो ऑर्डर है इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर थ्री, यहाँ पर ऑर्डर थ्री, यहाँ ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर टू, ऑर्डर टू। ये हो गई बात। अब बात आती है आगे, तो ऑर्डर तब हम लोग समझ गए, तो ये चीज लिखा हुआ है आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप डिग्री को देखें, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। और हाँ समझें, फिर आपको हम डिग्री समझाते हैं। देखें सुने, एक क्वेश्चन में एक इक्वेशन में एक से ज्यादा ऑर्डर वाले अगर डेरिवेटिव हो, सबका पावर अलग अलग है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसका जो एक्सपोनेंट होगा वही कहलाएगा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे समझने के लिए सबसे बेहतर हमारे पास सिक्स नंबर है और थ्री नंबर है, ये दो है बेहतर है। हम यह देख रहे हैं कि अगर सिक्स को एक बार फिर से देखें तो हमारे पास कुछ कुछ या ऐसा हो जाएगा, प्लस ये ऐसा हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, पावर फोर, तो हम लोग यह देख रहे हैं कि डिग्री के बारे में जनरली हम जानते हैं कि किसी इक्वेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है सो डिग्री कहलाता है। किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारा डिग्री कहलाता है, ये हम लोगों को मालूम है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन में बदलाव है।
हाईएस्ट एक्सपोनेंट को डिग्री नहीं कहेंगे, एक इक्वेशन में कई सारे ऑर्डर वाले डेरिवेटिव रहेंगे, एक इक्वेशन में कई सारे ऑर्डर वाले डेरिवेटिव रहेंगे तो सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। फिर से एक बार, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा ऑर्डर वाले जब डेरिवेटिव रहेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होगा वही हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। वंस अगेन, एक इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारे ऑर्डर वाले डेरिवेटिव रहेंगे, कई सारे ऑर्डर वाले डेरिवेटिव रहेंगे तो सबसे ज्यादा ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होगा वही हमारा डिग्री कहलाएगा। तो यहां पर ऐसे तो सबसे ज्यादा पावर ये लग रहा है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर यह है तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो कहलाएगा डिग्री। ऐसे फिर से, सबसे ज्यादा पावर ये लग रहा है लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट होगा वह कहलाएगा डिग्री, तो इसका डिग्री हो गया 2, ऑर्डर हो गया 3। उसी प्रकार से यहां पर आएंगे तो इसमें एक ही है तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो कहलाएगा डिग्री। उसी प्रकार से यहां आएंगे, हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट होगा वह कहलाएगा डिग्री, तो इसका डिग्री हो गया 1। उसी प्रकार से यहां आएंगे तो इसकी भी डिग्री 1, उसी प्रकार से यहां आएंगे इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो इसकी भी डिग्री 1 और बच्चों इसकी भी डिग्री 1, क्योंकि यहां तो डिग्री 4 है लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर यह है तो इसका पावर जो कहलाएगा वो हो जाएगा डिग्री। चलिए बेटे, बहुत अच्छी बात है। अब यह डिग्री देख लिया, लेकिन एक कंडीशन है डिग्री में, जब कभी भी किसी भी डेरिवेटिव पर पावर फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, वो बात में देखते हैं, पहले इसको देखा जाए। कभी भी कहीं भी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन के अंदर में dy dx नहीं हो, कॉस के अंदर में dy dx नहीं हो, टेन में dy dx नहीं हो, e to the power dy by dx नहीं हो, log में dy by dx नहीं हो, और साथ में इनवर्स के, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इसके भी अंदर में मैं किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में dy dx ना रहे, मैं उसके वेरिएबल की जगह dy dx ना रहे, साइन के अंदर वेरिएबल की जगह डिवाइड डीएक्स ना रहे, कॉस में ना रहे, टैन में ना रहे, सेक में ना रहे, कॉट में ना रहे, कॉसेक में, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है, चाहे साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट हो या साइन वर्स कॉस इनवर्स, इसके अंदर में डिवाइड डीएक्स यदि रहेगा तो उसका डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसका डिग्री नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हम लोग इसे एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में हम चर्चा करेंगे, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में डालेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए हमको समय बर्बाद करना उचित नहीं समझेंगे, पहले से लिख कर रखेंगे तो उसको हम ज्यादा बेटर तरीके से समझा देंगे, इसमें टाइम वेस्टेज जाएगा। तो फिर से एक बार, जब साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, लॉग के अंदर, ई के पावर में डी वाई डी एक्स मौजूद रहेगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का
डिग्री नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या रहेगा? पहले सवाल में साइन के अंदर में डी वाई डी एक्स है, चौथे में कॉस के अंदर में डी वाई डी एक्स है, और 11वें सवाल में भी साइन के अंदर डी वाई, यहाँ नहीं, यहाँ साइन में खाली वाई है, वो नहीं, साइन के अंदर डी वाई डी एक्स मौजूद हो। पहले सवाल में साइन के अंदर डी वाई डी एक्स है, चौथे में कॉस के अंदर डी वाई डी एक्स है, और 11वें में हमारे पास साइन के अंदर डी वाई डी एक्स है। तो इन तीनों सवाल का डिग्री नहीं निकाल सकते। ये तो ये कंसेप्ट याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में मेरे ख्याल से आना चाहिए, इसमें कहीं गड़बड़ न हो जाए आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद हमारा पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ। ध्यान रहे, इसमें एक चीज जो हमारे पास अभी एनसीईआरटी में सिर्फ स्टेटमेंट बोले हुए है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, वो हम एक एग्जांपल देख समझाते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल, तो डिग्री ऑर्डर बताने के पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल से फ्री करना पड़ेगा। रेडिकल का मतलब फ्रैक्शन हमें नहीं रखना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा है और यहां पर हमारे पास ऐसा है, तो इसे हमें कुछ भी करने के पहले ये जो पावर हमारे पास हो रहा है ये पावर फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये आप लोग समझ रहे हैं, हम दोनों तरफ पावर करेंगे। पावर क्या करेंगे, ये अपना कॉमन सेंस है, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पावर फोर करेंगे, क्या करेंगे, तो ऐसा पावर दोनों तरफ करेंगे कि वह दो और तीन दोनों से कैंसिल हो जाए। तो ऐसे के लिए हम लोग दोनों तरफ पावर सिक्स कर देंगे। अब ऐसा होने से यह पावर हमारे पास फ्रैक्शन से हट जाएगा, तो ऐसा होने पर जो बचेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया। तो अब ऐसा होने के बाद हम बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या रहा और डिग्री क्या रहा। ऑर्डर हो गया दो, और हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वह कहलाएगा डिग्री, या डिग्री है गया। तो इस तरीके का ये बात रहा। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं अपने एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज पर। एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज जो कि हम देख रहे हैं हमारा बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान। उसमें एक्सरसाइज है हमारे पास 9.2। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहां पर ऐसे कुछ लिखा हुआ है y बराबर ex प्लस 1, और यहाँ कुछ कुछ ऐसा दे रहा है। दूसरा में दे रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ई वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, और थर्ड में फोर्थ वाला जो यहाँ पर फोर्थ है y बराबर ऐसा है, तो यहां दे रहा है वाई डैस बराबर एक्स वाई। ये आप लोग बहुत ही इजी है, तो ये आप लोग खुद से बनाएंगे। एक छठा नंबर में है वाई बराबर एक्स साइन एक्स, तो यहां पर वाई प्लस एक्स ये है। एक और हम बता देते हैं प्यारे बच्चों, ये है सेवन नंबर, लिख लेते हैं एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, तो यहाँ पर है वाई डैश बराबर वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और उसके बाद एक और बता देने की इच्छा है वाई माइनस कॉस वाई बराबर एक्स, तो यहाँ पर
वाई साइन वाई कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश बराबर वाई। बाकी आप लोग खुद से बना सकते हैं, इजी है यह, ठीक है। तो इसमें कह क्या रहा है सुनिएगा, वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन, वो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट चर्चा उसकी जरूरत नहीं है, हमने पहले कभी किया था, इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो क्या करना है, बहुत ही इजी। सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास यह दे रहा है, हमें ये दिखाने के लिए यहां से y डैश यानी एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश यानी एक बार और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रह जाएगा। अब हमको यह देख लेना है कि यह सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो इसकी जगह ex उसकी जगह ex बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, सेटिस्फाई कर दिया, यानी यह सॉल्यूशन है। यही सब काम पूरे में करना है, हमको बताना है कि ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो पहले यहां से y डैश निकाल लेंगे, y डबल डैश निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा तो सॉल्यूशन रहेगा। यही काम हम दूसरा में देखते हैं, सेकंड में y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी है, ये चीज दिखाना है। तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस टू। अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सी का जीरो होता है मालूम है, ये हमको प्रूव हो गया, यानी ये हो जाएगा। यही काम जब हम चौथा में करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। तो यानी वाई डैश बराबर ये हो जाएगा, कैसे होता है हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, हमें ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव होगा, तो देखा है कि नीचे में रूट नहीं है, तो रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से y डैश बराबर इसकी जगह उठा करके हम लोग यहां से y डाल देंगे और नीचे में रूट हटके हमारे पास यह देखिए प्रूव हो गया, मजा आ गया क्वेश्चन में। इसी तरीके से हमें आगे वाला भी करना है, तो आइए देखते हैं छठा नंबर कैसे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो इसके बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल छठा को यदि हमारे पास y बराबर x sin x है, हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं u इंटू v पर, तो हमारे पास ये बच जा रहा है एंड दिस इज योर y डैश। अब हमारे पास ये है और हमको प्रूव करना है यह चीज, तो कैसे होगा, हम ऐसा करते हैं यहाँ हम RHS ले लेते हैं, ठीक है ना। RHS में y प्लस एक्स रूट अंडर ऐसा हो जाए, अब जहां जहां y है वहां वहां यह डाल दो, देखो तुमको मजा आ जाएगा, x साइन x प्लस x, यहाँ पर y की जगह x स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ठीक। तो यहां से बच जाएगा x साइन x प्लस x, यहां से एक्स स्क्वायर वन माइनस क्या हमको हो जाएगा, साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो यहां एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स कॉस एक्स, और जैसे ही हम यहां से यहां एक्स स्क्वायर बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और जैसे ही हम एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, और इस एक्स कॉस एक्स की जगह उठा करके हम लोग क्या डाल देंगे, वाई डैश, यानी ये हमारे पास हो गया LHS y डैश, ठीक है। तो y बराबर एक्स साइन एक्स को सबसे पहले ये करने के लिए हमने y डैश निकाल लिया, इसके बाद हमको लगा कि थोड़ा मुश्किल है तो हम RHS ले लिए, RHS में जहां जहां y है वहां वहां ये उठा कर रख दिया, सिंपलीफाई करने पर ये आया, इसकी जगह उठा क्या लग दिया हमने, वाई डैश हमारा प्रूव हो गया। तो इसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आइए देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो फिर एक क्वेश्चन हम छोड़ेंगे आप लोगों के लिए नंबर 8, और उसके बाद हम अगले वीडियो में
बाकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर को देख लिया जाए कैसे होगा प्यारे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास x इंटू वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी है, ठीक है। तो इसको u इंटू वी पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यह बचेगा ऐसा, यानी यहां से 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो अब है कि इसकी जगह y डैश लिख दो और यहां पर y डैश बटा में y हो गया। अब यहां से देखो सोल्व करो, अपने आप सवाल बन जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। हमें वाई डैश को एक जगह लाना, इसको इधर ले आते हैं, है ना। तो वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, ठीक है। अब यहां से वाई डैश कॉमन निकले, सवाल तो बन गया वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां से वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये लो सवाल बनकर तैयार हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह। तो इसी प्रकार से आप लोग कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 8 को बनाने का। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज लेकर के आते हैं, ठीक। ध्यान रहे, देखते रहे, हम इसी वीक से स्टार्ट कर देंगे जेईई मेन के लिए एक अलग से कॉलम तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसा मेरा मानना है। आप लोग देखें, बहुत ही मजा आएगा जेईई मेन के लिए, क्योंकि जेईई मेन का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, उसको देखना है। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री का, जो जो बच्चे मेन की तैयारी कर रहे हैं एक बार ट्रिगोनोमेट्री को रिविजन कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thank you.